नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम सबको इंदु ममूरू का। वैसे तो मेरा नाम फर्जी है, पर आप मुझे इंदु ममूरू की आवाज़ से पहचान सकते हैं। मैं आज बात करने आया हूँ इनाजुमा 11 की। वैसे कोई इनके बारे में स्पॉयलर्स नहीं बनाता ना कोई बात करता है, बट मैं आपको इनाजुमा 11 की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसे कि उनके न्यू एपिसोड कब आ रहे हैं एंड स्टफ लाइक दैट। एंड आई एम प्रेटी श्योर दैट उनके फैंस को ये सब कुछ बहुत पसंद आएगा। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। अब बात करते हैं कार्टून नेटवर्क की। इन्होंने कार्टून नेटवर्क वालों ने तो बिल्कुल ही इनाजुमा को टीवी पे बंद कर दिया है। ये 52 एपिसोड बार बार रिपीट कर करके उन्होंने तो दिमाग ही खा लिया है। हम अब इनाजुमा फैंस आगे देखना चाहते हैं तो हम क्या करें? तो फिर हम जैसे लोग ही ऑनलाइन वेबसाइटों पर जाते हैं, इंग्लिश सब में देखने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी कुछ समझ आता कुछ नहीं और कुछ रह जाता। मुझे अभी भी याद है जब शाम के टाइम जब हम सब बहन भाई इकट्ठे होकर देखा करते थे तो बहुत मज़ा आता था। एक्सो जब ज़्यादा किक करता था बॉल को या इंदू बॉल कैच करता था तो बहुत मज़ा आता था देख के कि ये हमारे हीरोज इतना अच्छा खेल रहे हैं। फिर एलियंस एकेडमी की हमने तो आधी सीरीज देखी है, बल्कि आधी भी नहीं, जो शुरू होते ही मतलब ख़त्म सी हो गई थी, पर फिर भी उसे हमने बहुत इन्जॉय किया। बस दुख इसी बात का है कि काश हम और आगे देख सकते इनाजुमा 11, काश हम और हिंदी में उसे इन्जॉय कर सकते। इसलिए मेरी टीम और मैं इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं कि इनाजुमा 11 और बनाएं और डब करें, और ताकि आप लोगों को और ख़ुद भी इन्जॉय कर सकें, और वो आग जो एक्सल के फायर टोर्नेडो में थी और वो आप लोगों में जगाएं, और वो माजिंदा हैंड इंदू का जो हर चीज़ को रोक देता था, हर ताकत को रोक देता था और वापस आ जाता था ठीक होकर, उसमें ही इनाजुमा 11 के एपिसोड लेकर आए आपके लिए। और जाते जाते मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि हम फिर से मिलेंगे और दोबारा से इनाजुमा 11 फिर से एंजॉय कर सकेंगे। और अपने इंदु ममूरू के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे माय फ्रेंड्स।